हमें लजीज खानों की तलाश हमेशा रहती है। अब आपकी तलाश खत्म हो गई तो चलिए हम आपको ले चलते हैं उलनचाल एसवीपी रोड पर बने मन्नत रेस्टोरेंट में। यहाँ आपको हर तरह के उम्दा लजीज खाने आपकी पसंद से ऑर्डर देकर मिल सकते हैं। गेट टुगेदर हो या बर्थडे पार्टीज, वेडिंग एनिवर्सरी पार्टीज हो या एंगेजमेंट पार्टीज, या फिर कोई बिजनेस मीटिंग्स, इन सभी के लिए स्पेशियस प्लेस। विजिट वंस, आपका अपना उम्दा और लजीज खानों का मरकज मन्नत रेस्टोरेंट। जामिया ख्वाजा गरीब नवाज व दारुल उलूम बरकातिया गरीब नवाज व यतीम खाना की जानिब से 3 रोज़ा अजीमुशान इज्तिमा बनाम ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस व नूरी इज्तिमा रखा, जिसमें दुनिया के मशहूर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, हमाद रजा, खुर्शीद आलम, जुबैर अहमद, कफील अंबर, खुसूसी शायर असद इकबाल तशरीफ लाए। इन्हें सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। अम्बरनाथ मस्जिद ट्रस्ट मुस्लिम जमात अम्बरनाथ के जेर निगरानी में यह इज्तिमा चलाया गया और अम्बरनाथ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भीड़ हैंडल करने के लिए अच्छा बंदोबस्त किया। मौलाना शाहनवाज ने इस इज्तिमा को कामयाब बनाने में काफ़ी मेहनत की। उसका पैर घोड़े की जीन में फंस गया और घोड़ा भागने लगा। इतना भागा
एक दंगे इसके सर को पत्थरों से टकराते टकराते घोड़ा किसी के काबू में नहीं है। सारे सिपाही घोड़ा पकड़ने के पीछे भागे हुए हैं, सारे वजीर पकड़ने के लिए जा रहे हैं। घोड़ा उस वक्त जाकर रुका जब इसका सर फट कर दो टुकड़े हो। कुरान पाक में मेरा मौला फरमाता है, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में हजरत अबू बकर को यह जुमला कहा। यह जुमला बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आज अगर आप ये कहते हैं कि कौन है हमारे साथ, कौन सी सियासी ताकत है, कौन सी कुवत है, मियां हमको भी देखो, लोग सोचते होंगे बड़े बड़े लोग इनको चलाते हैं, छोटा आदमी भी पीछे खड़े होने को तैयार नहीं होता। हाँ ये तो बड़े जिगरे वाले मौलाना लोग हैं जो बैठे हैं स्टेज पर, यूपी में तो डरते नहीं है। हाँ इनके स्टेज पर बैठेंगे दूसरे दिन कौन आएंगे। हाँ एक मौलाना साहब उन्होंने कहा आपके साथ बैठे थे दूसरे दिन पुलिस वालों ने उठा लिया। अगर आपके पीछे भागने में मेरा यकीन है कि ये जो बच्चे इधर उधर भटके हैं इंशाल्लाह मेरे मुस्तफा के छांव में जरूर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तुम जैसे कुत्ते छोड़ता है, तुम भौंक भौंक करके हमें फिर शरीयत में ले आता है।